मैं बेंगलुरु जा रहा था, मैंने सोचा कि क्यों ना इसका व्लॉग बनाया जाए। मैं जब भी कहीं पर ट्रेवल करता हूँ या घूमने जाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना। सो मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, या कुछ लोगों के लिए बैंग विथ लूरू, दैट इज बेंगलुरु। मैं बेंगलोर क्यों जा रहा हूँ ये वीडियो में तुम्हें आगे जाके पता चल जाएगा। फिलहाल मैं ललितपुर स्टेशन पे हूँ, जो कि यूपी में, मेरे टाउन में स्टेशन नहीं है तो मेरे को यहाँ आना पड़ता है एक घंटे बस लेके। तो मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ अपने ललितपुर स्टेशन पर, और बोर भी फील कर रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ। कोई नहीं, निकल जाएगा टाइम, वैसे भी अकेले ही आए थे दुनिया में, अकेले ही जाना है। वैसे मेरी नज़र पड़ी यहाँ के टॉयलेट पर, जहाँ पर लड़कों के लिए यूज़ करते हैं लोग मर्दाना और लड़कियों के लिए जनाना, गजब है। लेकिन यार ट्रेन अभी तक नहीं आई, इट्स स्टिल वेटिंग। सही में दिमाग ख़राब होता है वेट करना। सो फाइनली ट्रेन आई, लेट आई, वो तो हर एक ट्रेन आती है। चलो प्रवेश करते हैं अपन ट्रेन के अंदर, मेरा सदा सा थोपड़ा हाय, और ये अपन चल दिए हैं ललितपुर को छोड़ के जा रहे हैं अपन। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं बेंगलोर क्यों जा रहा हूँ, तो आंसर है मैं जॉब ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना कॉलेज ख़त्म कर दिया है और मेरे को जॉब की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि मैं बेंगलोर जाके सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, बट अपना बेस्ट दूंगा जितना मैं दे सकता हूँ। गेट पर खड़े होके ये हवा मुझे बहुत पसंद है, गेट पर खड़े होना। सो फाइनली भोपाल आ गया है, जहाँ से मैंने अपने 4 साल निकाले हैं कॉलेज के। बहुत याद आएगा भोपाल, सीरियसली, क्योंकि बहुत अच्छी मेमोरीज हैं यहाँ की। वी डोंट रिमेंबर डेज, वी रिमेंबर मेमोरीज। बेंगलोर काफ़ी दूर है, आई मीन 27 घंटे की जर्नी, और अभी सिर्फ 4 घंटे हुए हैं, 23 घंटे और रह गए हैं, देखो निकल जाएंगे वेट करते करते। लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ चूतियों की तरह। मुझे अपना टाइम निकालना था तो मैंने सोचा स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं ज्ञानी 2.0 के रोस्ट की। सो स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दिया मैं, हो गया जितनी स्क्रिप्टिंग होना था। अब मैं थक गया हूँ, अब मैं थोड़ा सोऊंगा, रेस्ट करने जाऊंगा ऊपर। सो मैं सो के आ चुका हूँ, और यहाँ का मौसम बहुत मस्त हो रहा है, और अभी गेट से मेरे को यहाँ पर विंड एनर्जी के पावर प्लांट भी दिखे। अभी मेरा चाय पीने का मन किया तो मैंने चाय लिया, लेकिन ट्रेन की चाय इज इक्वल टू रोनी शो के वीडियो, देखना पड़ता है और पीना पड़ता है जबरदस्ती, बस अच्छी नहीं होती कभी। सो फाइनली मैं सो गया था, और फिर जब उठा तो सीधा बेंगलोर आ गया, तो मैं बीच में और शूट नहीं कर पाया। तो बेंगलोर अभी अंधेरे से दिख रहा है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट यशवंतपुर में मैं उतरूंगा, मतलब पहुंच गया हूं, ये देखो यहां पर। और अब मैं यहां पर पीजी पे आया हुआ हूं, ये अपना बेंगलोर है, अभी घूमूंगा बेंगलोर देखता हूँ। बट यहाँ की काफ़ी फेमस जगह है यूबी सिटी मॉल, और ये मैं बीटीएम में रूम लिया हूँ, पता नहीं कौन कौन सी जगह है, बट जो भी है बेंगलोर काफ़ी डेवलप सिटी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक्स मेरे को यहाँ तक झेलने के लिए, आई मीन मैंने कुछ इतना फ़नी चीज़ नहीं था। अगर फिर भी तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। मैं नॉर्मली ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये मेरा वीलॉग था, पहला वीलॉग था। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा वीलॉग, और आगे भी वीलॉग बनाऊँ या नहीं। बाकी मेरे तुम पुराने वीडियोस देख सकते हो, वो थोड़े इंटरटेनिंग होते हैं।